हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। यह सप्ताह के हर दिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। दोस्तों, यह मकबरा एक बहुत बड़े जलाशय के बीचों बीच बना है। चारों तरफ पानी है और जाने का एकमात्र रास्ता है, और खूबसूरती ऐसी कि इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो गाइस, अभी हम लोग हेलो तो हम लोग आए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। मेरा भाई भी है साथ में। दीवानों, हमको पहचानो, कभी भूल मत जाना। अरे वो डायलॉग मत सुनो, कौन डायलॉग? आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। तो एक बार स्वागत है, और अभी हम लोग जा रहे हैं सासाराम एक्सपोज करने के लिए, जो कि नीचे से बहुत दिन के बाद हम लोग घूमने के लिए आए हैं। तो छुट्टी का ना, तो चलिए सासाराम, बहुत दिन भी हो गया था घूमे हुए। तो गाइस, अभी आप नेशनल हाईवे का जो व्यू है, आप सब देखिए कितना खूबसूरत। और जो कि अभी 4 लाइन था, तो अभी 6 लाइन होने वाला है। जो अभी रूट का जो काम है वो चल रहा है दोस्तों। और अभी देखिए, खूब लहरा लहरा के लोग लेकर लोग बाइक चला रहा है, आप देख रहे हो कैमरे में आप, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो रूट जो 6 लाइन होने के कारण थोड़ा सा फैल भी हो गया, और काफ़ी बढ़िया भी लगता है, और रोड भी खूबसूरत है, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी इसके बाद हम लोग डायरेक्ट डिहरी पुल के पास पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और फिर आप सब डिहरी पुल दिखाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ सासाराम मिलेगा। तो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है सासाराम, डिहरी 30 और सासाराम 20-30 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग वहाँ चलने वाले हैं, और आज हम आप सबको दिखाएंगे शेरशाह सूरी का मकबरा है, और उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। और तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ से सासाराम बस 10-15 किलोमीटर ही बच रहा है, क्योंकि डेयरी ऑन पार करते हैं, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ शेरशाह सूरी का मकबरा। और यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, जो शॉर्टकट रास्ता मैंने चूज किया है, उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं शेरशाह की मकबरा, बहुत दिन बाद। फिर पिछला साल जो गया थे, फिर रिटर्न इस साल आ गए हैं। तो चलिए आप सभी को अंदर का जो भी व्यू है दिखाते हैं एक बार। तो गाइज, आप सबको मैं दिखा दूं कि देखो, औरंगाबाद का जो भी है बेसिक है वो इस सासाराम का, यही जो थोड़ा टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है कि ठंडा में ज़्यादातर विदेशी लोग आते हैं, और यहाँ पर अगर टिकट की बात करें तो विदेश से जो लोग आते हैं स्पेशल ठंडे में यहाँ पर घूमने के लिए, तो उसका टिकट दोस्तों अभी 300 रुपया हो गया है। और जो कि मैंने अभी इस टिकट को परचेज किया था, लगभग 25 रुपये पर पर्सन पड़ा था दोस्तों। तो चलिए आप सभी को अंदर से जो कि व्यू है आप सभी को दिखाते। जो मैं बता दूं आप सभी को कि जो पहला एंट्री गेट है दोस्तों, पहला हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, उसके बाद मेन किला की ओर चलेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो से लाइक कमेंट शेयर कर दिएगा। तो मैं जैसा पहला चीज़ यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, एक कब्र है जो कि यहाँ पर बनाया हुआ है बारीकी से, और इसका जो भी डिज़ाइन है, लुक है, जो कि बलुआ पत्थर से बनाया गया। और एक पत्थर की अगर मोटाई की बात करें दोस्तों, तो आप सब देख सकते हैं, इधर आइए थोड़ा, एक पत्थर का मतलब देखा जाए तो 1-2 मतलब अढ़ाई इतना इसका एक पत्थर है। तो एक पत्थर इस तरह से जो डिजाइनिंग किया गया है, बहुत ही खूबसूरत, आज से 1997 से है लगभग इसका, ठीक है। तो वहाँ से जो भी व्यू देखिए, आप इसको देख सकते हैं कि जो है तो चारों तरफ से खुला, इसमें चारों तरफ से आप सभी के लिए जो है हवाएं आते रहेंगी। और यहाँ पर जो भी पहरेदार है, तो यहाँ पर पहले एंट्री, और वहाँ पर देखिए वहाँ पर भी फर्स्ट में रहते थे। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर में डायरेक्ट, और
यहाँ से जो कि आप सब जो नज़ारे देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। तो और बात करें, आप इधर थोड़ा सा, ये इधर जो डिजाइन बनाया हुआ है, तो गाइस तो यहाँ पर भी जो की है फोटो शूटिंग चल रही है। हाँ, तो थोड़ा साइड हो तो लुकिंग गॉर्जियस, एकदम गर्दा फोटो है दोस्तों। जो भी व्यू है यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। तो अभी इसके अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करिए। और इसके बीच में जो तालाब है जिसके कारण थोड़ा सा माहौल ठंडा भी अच्छा भी पानी लगता है। तो अभी हम लोग आई इसके अंदर चल रहे हैं और इसमें लगातार जो कि है फोटो शूटिंग की जो व्यवस्था है वो तगड़ी है। फटने के लिए तो सबकी फट्टी है। तो गाइस आप दोनों तरफ से जो कि व्यू है और नजारा देख सकते हैं काफी खूबसूरत है। तो अभी हम लोग और आगे चल रहे हैं, धीरे 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 चलते जाएंगे और शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए मकबरा काफी खूबसूरत है दोस्तों। एयरटेल चलाई गली यहाँ भी आई पी जियो ना चला है ना। हेलो कावली वीडियो कॉल कर दिखाई तो व्हाट्सएप से हेलो ये जो मकबरा है दोस्तों, ये झील सॉरी जलाशय के जो ये जलाशय चारों तरफ है और बीच में जो मकबरा का निर्माण जो किया गया है लाल बलुआ मिट्टी पत्थर से जो भी किया गया, बहुत ही खूबसूरत आज से बहुत ही पुराना जो है कि मकबरा है। और मान लो कि जैसे आगरा में ताजमहल, तो उसके बाद जैसे वो फर्स्ट ताजमहल तो सेकेंड है जो कि औरंगाबाद के सासाराम जिला में पड़ता है और काफ़ी खूबसूरत है। और जो कि यह मौसम में व्यू काफ़ी बढ़िया आता है और पानी होने के बाद और भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो ये चारों तरफ है जो जलाशय के बीच में है और बीच में एक रास्ता है उससे और भी बढ़िया लगता है। जो कि खूबसूरत व्यू है आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ और इसके अंदर भी हम लोग चलने वाले हैं कुछ देर बाद। जो व्यू है और इतना खूबसूरत व्यू के आप सब देखो। तो गाइज इस जो किले का निर्माण जो कराया गया है ये शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया है, जो कि शेरशाह सूरी का जन्म भारत में 1539 में हुआ था, सॉरी 1540 ईस्वी में हुआ था। और शेरशाह सूरी इतना दिमाग का तेज था, इतना तेज था और इतना चतुर था कि वो पूरा मुग़ल साम्राज्य को बाहर भगा देना चाहता था। तो शेरशाह सूरी है तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने लड़ा हुमायूं के साथ में, 1540 में उसने हुमायूं को हरा कर भारत से और सूरी साम्राज्य का जो कि अपना पहला स्थापित किया। और एक्चुअली में उसका नाम मैं बता दूँ तो आप सभी को बता दूँ कि शेरशाह सूरी इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि जब ये छोटे थे तो लगभग 15-16 साल के थे, तो इसने एक शेर को एक तलवार में पूरा गर्दन को उड़ा दी, इस कारण लोगों ने इनका नाम शेरशाह सूरी रख दिए हैं। और
इनका जो दिमाग था यार बहुत ही तेज था, बहुत ही पूरा मतलब भारत पर दिल्ली के संतुलन पर राज करना चाहते थे। और उसी तरह फिर इन्होंने हुमायूं को हरा कर, सबसे पहला हुमायूं को 1540 में हरा कर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया जो कि सूरी साम्राज्य है, शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, तो और मैं यहाँ का अगर इतिहास और बताना चाहता हूँ आप सभी के पास तो थोड़ा सा वेट करिए। और अभी थोड़ा सा खूबसूरती देखिए आप सब, जो कि इसका जो बनावट है बहुत ही खूबसूरत है। और जब बारिश होता है तो और भी अच्छा यहाँ पर लगता है कि मतलब कि चारों तरफ जलाशय के बीच में जो मकबरा बना हुआ है, और जब बारिश होता है तो चारों तरफ होता है, और बीच में आप जब बैठकर इस नज़ारों को देखोगे यार इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, मानो यार यकीन नहीं आएगा आप सभी को कि इतना खूबसूरत लगता है। और जो इस तरह से बनाया गया है यार, इसमें रानियां लोग पहले बैठा करती थी। और इनका एक और मकबरा है वो साइड में है, पीछे की तरफ है। तो मैं भी आप सभी को मैं अंदर का जो व्यू है आपको दिखाऊँगा, इनको दफनाया गया है यहाँ पर, और ऐसा माना जाता है कि और यहाँ पर तो आप सब ये जो चीज़ देख रहे हैं बारीकी जो छेद छोड़ा हुआ है, जो भी डिज़ाइन लुक किया गया है, यहाँ पर लोग सैनिक रहते थे और यहाँ पर जो किले की निगरानी में रहते थे क्योंकि कोई बाहर से आए नहीं। और सैनिक वगैरह आता है इस किला पर हमला करने के लिए, तो उस टाइम यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर रहते थे, सैनिक रहते थे, तीर था भाला था उस टाइम का जमाना है। चला रीड करना के ग्रुप 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 तो गाइस आप जो नीचे का जो भी व्यू आप सब देख रहे हैं, अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, नीचे का व्यू था आप सभी को दिखा दिया हूँ। और मैं भी सोच रहा कि अभी ऊपर का जो भी व्यू है, सीन है जो शेरशाह सूरी द्वारा इतना खूबसूरत टॉम जो बनाया गया है आप सभी को मैं दिखा दूँ। और ऊपर से भी देखिए कि गहराई कितना ऊपर है, नीचे सीढ़ी है जो भी, और सीढ़ी इतना बड़ा बड़ा था मतलब बोलो यार, ये मतलब आम आदमी के लिए नहीं, पहले जमाना के जो आटा खट्टा उसके लिए था। जल्दी हटो वहाँ से, जल्दी हटो, मैं डायलॉग मार रहा हूँ। लोग अभी पानी में खेल रहे हैं जो भी कर रहा छोटा छोटा, तो आप ऊपर से व्यूज देख सकते हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड लेके आ सकते हैं, जो भी आपको साथ आना चाहते हैं आ जाओ। और यहाँ बस यही लड़का लड़की के लिए है, और हम लोग जैसे ब्लॉगर के लिए नहीं, बस हम लोग आ गए हैं शूट करने के लिए। और मैं बता दूँ कि ऊपर से देखने में कितना गहराई लग रहा है यहाँ से ऊपर सीढ़ी के ऊपर से, जो कि इतना खूबसूरत और बारीकी से डिजाइन करके इसको जो बनाया गया स्ट्रक्चर है, जो कि काफ़ी बढ़िया है।
तो गाइस जब भी हम लोग बाहर का जो भी व्यू है सीन है सब देखते हुए अब हम लोग चलते हैं सीधा शेर शाह सूरी के अंदर मकबरे के अंदर में, जो कि मेन उनका मकबरा है और उनके अन्य परिवार के साथ में उनको दफन कर दिया गया था यहाँ पर जब वो मरे थे। तो भी हम लोग उसके अंदर चलने वाले हैं देखने के लिए और उनकी कुछ यादें को ताज़ा करते हैं, जो कि हम पिछले साल भी आए थे तो अच्छा से उतना मोटो ब्लॉगिंग कर नहीं पाए थे दोस्तों, क्योंकि उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था। बट चलो धीरे धीरे हो जाता है नॉलेज। और अभी हम लोग इसके अंदर सोच रहे हैं जाने के लिए, तो सबसे पहले होता कि इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए मैं परमिशन ले लिया हूँ कि मैं वीडियो के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर डायरेक्ट, और आप जूता चप्पल बाहरी प्रवेश करें तो मेन अभी मकबरे के अंदर हम लोग आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर उनको दफन कर दिया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इग्नोर हम करते हैं उसके बाद कैमरा वाला को, और आप जो डिज़ाइन है स्ट्रक्चर जो इसका बनाया गया है काफ़ी बारीकी से बनाया गया है दोस्तों। और तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं, धीरे धीरे चल जा रहे हैं, जो कि बोल दिया था मैंने कि वीडियो शूट करने आ रहा हूँ। तो आप ये जो ग्लोम्बर है आप इसमें है कि आपका आवाज़ यहाँ पर गूंजता है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ऊपर जो बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। तो गाइस शेर शाह सूरी द्वारा जो ये टॉम बनाया गया है, बस वो आते थे रानी लोग और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते थे और बीच में इंजॉय करते थे। उनका एक सपना था कि जो मरेंगे तो इसी मकबरे में उनको दफना दिया जाएगा। तो अभी आप जो इधर से जो देख रहे हैं इसका हम अभी आप सभी को डिज़ाइन दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो डिज़ाइन किया गया है और फारसी भाषा में जो कुछ लिखा गया है, और अभी तक किसी ने उतना पढ़ा नहीं है अच्छे से। तो अभी आप सब देख सकते हैं बीच में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ फारसी भाषा है हमको लगा कुछ उर्दू, जो भी है खैर हमको तो पढ़ने नहीं आ रहा अभी। तो आप इसका जो डिज़ाइनिंग है आप देख ही सकते हैं कितना गोलंबर टाइप है। और शेर शाह सूरी का मौत पर यही इच्छा था कि हमारा इसी में दफन कर दिया, और मेन वाला जो शेर शाह सूरी है इनका यही कब्र है, इसी के अंदर शेर शाह सूरी को दफन कर दिया गया था। और इनके साथ हमको लगता है कि अन्य परिवार भी है जिन ये यहाँ पर कब्र बना हुआ है। ऐसे ऐसे कब्र बड़ी सारे हैं। तो गाइस हम इसी चीज का बात करें, दिस स्टोन बुलेट फॉर है पलना ढेंगा जो भी लिखा हुआ आप सब पढ़ लीजिएगा, अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है। और अभी चलिए इसके अंदर में आप सब एक साथ दिखाते हैं। क्या पर आज संडे है, तो एक्चुअली आज बिहार पुलिस का जो कि एग्जाम था, आजा भाई जेल में मिल ले भाई, जेल में जेल में भाई भाई बचा ले यार। आ रहे हो गया काम ना हुआ, आवा अंदर आओ। तो आज जो कि बिहार पुलिस का दोस्तों एग्जाम था, तो उसके कारण आज उतना भीड़ नहीं है। एक्चुअली संडे का संडे जो स्पेशल भीड़ रहता है वो रहता ही है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के साथ में, और यहाँ पर एक और दो और भी आए हुए हैं, तो वो भी अपना वीडियो शूट करने में लगा, जो कि इसका बारीकी से जो ढक्चर है जो भी ढांचा इसको तैयार किया गया बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और ऊपर का जो भी देख सकते गोलंबर टाइप का जो है यहाँ पर, आप सब उस समय सोचे कि किस तरह से इसको बनाया गया, अभी तो गोलंबर बनाने में बहुत ही टफ हो गया है पहले के मुकाबले में। तो आप जो ही देख रहे हैं चारों तरफ से हवा के लिए इसको खोला गया, आप सभी को दिखा दे रहा हूँ हवा के लिए स्पेशल ऊपर से जो जालीनुमा बनाया गया है, और ऊपर कबूतर के लिए स्पेशल है, तो आप देख ही सकते हैं। और उतना खास नहीं है इस टॉम्ब में, बस ज़्यादा नहीं, बस वही शेर शाह सूरी का जो एक कब्र उसके साथ ऐसा माना जाता है कि फैमिली का भी है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। तो गाइस भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ग्रैंड टेक जीटी रोड का भी निर्माण कराया था। इनका जन्म हरियाणा के जिला में हुआ था, तो वहाँ से और कुछ और इतिहास लोग मानते हैं कि इनका जन्म सासाराम में हुआ था 1485 ईस्वी में दोस्तों, और यहाँ से ही उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। उनका ड्रीम था कि वो पूरा भारत पर दिल्ली सल्तनत पर राज करें, और वो राज करना चाहते थे, और 5-6 साल के लिए यहाँ से सभी शासकों को भगा दिया था। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी दीवार की जो मोटाई है चौड़ाई है और जो भी है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बारीकी से बनाया गया, उनको ध्यान में रख के जो शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया इनको जो भी है। तो मैं बता दूँ कि उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया है कि आप सोच तक नहीं सकते हैं कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया, और अपना बिहार को इस तरह से थोड़ा सा चमका कर चले गए हैं। 1485 से उनका जन्म हुआ था, और ऐसा इतिहासकार में बताया गया है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं बता दूं, जब 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनका पुत्र इस्लाम शाह सूरी जो बैठा गद्दी पर, उसका ओरिजिनल नाम था दोस्तों मैं बता दूं, उसका जलान खान था, जो कि वो सेकंड राजा था, और उसने और मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में, फिलहाल में और तब तक इंजॉय करिए आप सब। और एक बार आप सभी के साथ बाहर का भी थोड़ा सा सीन दिखा दे रहा हूँ कि आप सबको अच्छा लगे। तो अभी मैं इसके अंदर से निकल गया हूँ और बाहर आने के बाद अभी जो भी व्यू आप सबको दिख रहा है, तो मैं बाहर से आप सभी का सीन दूर दिखा दिया और बाकी जो भी मेरा दोस्त लोग हैं आई थिंक पता ना इधर उधर वो भी घूम रहा है, और थोड़ा सी इस नज़ारे को भी आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। हेलो, तो हम लोग आए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, मेरा भाई भी है साथ में। दीवानों हमको पहचानो, कभी भूल मत जाना। अरे वो डायलॉग मत सुनो, कौन डायलॉग? आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। और इतना बात में बेहस क्या हो गया? हल्ला कर रहे हैं, दीवानों को बता रहे हम। अपने मगर में लग गया ना बाबू रट, हमने के बीच में लगी नहीं, डिस्टर्ब कर सकती है। क्या बोल रहे हैं? रख दो बाबू, जो भी लड़की है साइड हो जाओ, फोन से रखते हाँ बाबू लक्ष्मण जी होते हैं।